अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई एहतराम अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत शाहे खुबां जाने जाना मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्मे जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसुल हुजूर रहमत आलम जान आलम खातिमुन नबीयीन कायदुल मुरसलीन ताहा व यासीन हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह अक़दस व अनवर में बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला के कुरान मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कल तेरे शहर तेरे शहरों कलामों बका की कसम। आज की ये महफिल इस्लाह मुआशरा के हवाले से इनेकाद पज़ीर है लेकिन मुआशरे की इस्लाह उसी वक्त तक मुमकिन है या उस वक्त मुमकिन है जब हम किसी भी काम को करते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल बनाएं। जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे हम हुज़ूर अलैहि सलाम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाएं आइडियल बनाएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है। हमें किसी और को आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाना है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हम आइडियल कब बनाएंगे या हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नक्श कदम पर कब चलेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को हम अपने लिए रहनुमा कब बनाएंगे जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमें पता होगी हमें मालूम होगी उसी वक्त हम अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करेंगे। सबसे बड़ा मसाला तो ये है कि हमारी कौम का हाल ये है कि मेरी कौम को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा ही पता नहीं है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के गोशे क्या थे हुजूर अलैहिस्सलाम किस तरह जिंदगी गुजारते थे। बड़ी माजरत के साथ सीरत तैयबा के हवाले से बस मेरी कौम इतना ही जानती है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाजें पढ़ते थे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते थे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह व तहलील करते थे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार बाजार तशरीफ ले जाते थे। बस यही चंद चीजें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें पता है और उसके अलावा हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को नहीं जानते या हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के गोशे हमें नहीं पता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों आइए आज मिशकात शरीफ से हम 40 हदीसें
जो मुख्तसर है उनकी एक एक इबारतें लेंगे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के आज हम 40 गोशों पर गुफ्तगू करेंगे और उसी को इख्तिसार के साथ, ताकि जब हम यहाँ से उठें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम जिस तरह अंजाम देते थे हम उसको उस तरह अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अच्छी तरह याद रखें, हुजूर से बेहतर किसी की जिंदगी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो काम जिस तरह अंजाम दिया है वो काम को उसी तरह अंजाम देना जो है गोया के इबादत है। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई लंबी चौड़ी तमहीद बयान करने की बजाय आज हम आपके सामने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के चंद गोशे पढ़ते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजमाल के साथ, बहुत कोई तफसील नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ और इस नीयत से सुनना कि हमारे आका कितने अच्छे थे, हमारे सरकार कितने प्यारे थे, हमारे सरकार कितने अजीम थे। याद रखें, उनका हुस्न बेमिसाल, उनका इल्म बेमिसाल, उनका तकवा बेमिसाल, उनकी परहेजगारी बेमिसाल, उनके चलने का अंदाज बेमिसाल, उनके बोलने का अंदाज बेमिसाल। वो ऐसे बोलते थे उनकी तरह कोई नहीं बोल सकता, वो ऐसे चलते थे उनकी तरह कोई नहीं चल सकता। जब उनके साथ साथ जिब्रील चलते हैं तो जिब्रील के भी पर थकते हुए नजर आते हैं। जब वो बोलते हैं तो कायनात का निजाम थम जाता है, बल्कि बड़े बड़े अरब के फुसहा उनके सामने ऐसे चुप रहते हैं कि जैसे उनके मुंह में जबान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता जैसे उनके जिस्मों से जान निकल गई है। मेरे इमाम फरमाते, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और जो उनकी सीरत पता कर ले, जो उनकी शान पता कर ले, जो उनकी अजमत पता कर ले, फिर वो यही कहता नजर आता है कि या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने हुजूर की सीरत पता नहीं की, इसीलिए ऐरे गैरे नत्तू खैरों को हमने अपने लिए आइडियल बना लिया और हम जो है वो गुनाहों के रास्ते पर चल पड़े। आओ अपने आका की जिंदगी को सुनते हैं और हम उसे अपनी अमली जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हज़रत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस के हवाले से साहिब मिश्कात ने लिखा है, हज़रत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने किसी खादिम को कभी गुलाम को, किसी खादिम को किसी गुलाम को कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, ये क्या ये काम तुमने क्यों ही किया। अच्छी तरह याद रखें, आज अपनी आदत है, हम अपने घर के बच्चे हों या अपनी बीवी हों या घर के अंदर कोई खादिम या खादिमा हो या कोई नौकर चाकर हो, अगर वो थोड़ी सी गलती कर जाए तो हम दिन भर के दूसरों का गुस्सा उन्हीं पे उतार देते हैं। लेकिन आकाए करीम की सीरत तैयबा का एक रोशन बाब यह भी है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी खादिम को कभी उफ तक नहीं कहा। हैरत की बात यह है, हम ये तो कहते हैं कि अपने माँ बाप को भी उफ मत कहो, लेकिन ये मेरा नबी है, ये अपने सबका नबी है, ये हमारे आका और मौला है, अल्लाह अकबर, जो गुलामों को भी कभी उफ नहीं कहते। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह अकबर हदीस पाक में आता है, ये भी अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम के हवाले से साहिब मिश्कात लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा सखावत करने वाले थे। अल्लाह अल्लाह, एक एक हदीस की इबारत ऐसी है कि उस पर दिल चाहता है कि तफसीरा किया जाए और घंटों गुफ्तगू हो, इसलिए कि यार की गुफ्तगू है, महबूब किरदिगार की गुफ्तगू है, जिसके दर से लोगों ने सखावत सीखी है, बल्कि यूं कहूं जिसकी चौखट से सखावत भी सखावत सीखती है, वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर बड़े सखी थे, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं,
कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करता, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई सवाल करता, हुजूर कभी उसको इनकार नहीं करते, यानी कभी ना नहीं कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी ना नहीं कहा, ला नहीं कहा, बल्कि कहने वालों ने कहा है कि अगर कलमे में ला ना होता, यानी कि कलमे में ये नफी ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते तो पहले ला आता, यानी नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, तो ये नहीं जो कलमे में आता है, अगर कलमे में ला न होता तो हुजूर की जबान पे कभी ला आता ही नहीं। लेकिन आकाए करीम से जब कोई सवाल करता, यानी हुजूर से कोई चीज कोई मांगता, तो हुजूर कभी उसको इनकार नहीं करते, कभी ना नहीं कहते। अब यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, 40 हदीसें पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा जौक कहता है यहां रुक करके बात बयान करूं। कितने सखी है मेरे आका, मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार में ना ला है, ला यानी नहीं वा नहीं है, ला नहीं है ना हाजत अगर की है, मगर वहां अगर भी नहीं है, यानी ये नहीं कि अगर होता तो देता, अगर रहता तो देता, अगर ऐसा होता तो देता, नहीं, वहां अगर की भी हाजत नहीं है, जो आता है अता करते चले जाते हैं। आइए सिलसिले में एक रिवायत में आया है, एक मरतबा अल्लाह अकबर पस मंजर के साथ बयान कर रहा हूं, एक मरतबा एक यहूदी औरत एक सहाबिया आशिक रसूल खातून के पास आई, और आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगी, और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगी, जाहिर सी बात है हम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं, मगर याद रखो कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का अगर कोई इनकार करता है तो वो काफिर है, क्योंकि हमारे आका रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब नबियों पर ईमान लाने के लिए हमें हुक्म फरमाया है और हम सब नबियों को मानते हैं। लेकिन यहूदिया थी, वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करने लगी, तो वो सहाबिया अपने आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने लगी, और उसके बाद जिक्र निकल आया मेरे आका की सखावत का, जिक्र निकल आया मेरे सखी करीम आका का। अल्लाह अकबर, जब हुजूर की सखावत का जिक्र आया, अब दोनों औरतें गुफ्तगू करने लगी। गुफ्तगू के दरमियान यह हुआ कि चलो चलते हैं और तुम्हारे नबी की सखावत देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम के पास पहनने के लिए बज़ाहिर कोई लिबास न था, नई चादर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने बदन पे डाल रखी थी, और ऐसे में वो दोनों पहुंची। हुजूर अलैहि सलाम बाहर तशरीफ लाए, सहाबा के दरमियान जलवागर हो गए। वो मुसलमान खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये चादर जो आपके बदन पर है, ये चादर आप मुझे इनायत फरमा दें। अल्लाह अकबर, अब आप मुझे बताएं, हुजूर वो चादर बदन से हटाते हैं तो हुजूर अलैह सलाम का जिस्म अकदस ऊपर का खुल जाता है, लेकिन अब वो औरत मांग रही हुजूर मुझे चादर अता करें, सरकार अलैह सलाम उसको ना नहीं कहते, बल्कि अंदर तशरीफ ले जाते हैं, खादिम के हाथ से चादर बाहर भिजवा देते हैं, और हुजूर अलैह सलाम बैठे रहते हैं, इसलिए कि अब ऊपर की चादर ओढ़ने के लिए ना थी, लेकिन हुजूर से मांगी गई तो वो चादर हुजूर ने दे दिया। जब उस खातून को चादर मिली तो वो यहूदिया ने कहा, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होती हूं इसलिए कि तौरात में आखिरी नबी की सखावत का ऐसे ही तज़किरा है कि वो ऐसे सखी होंगे जैसे दरिया बहता है, वैसे उनकी सखावत होगी। इसीलिए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने जब रसूलुल्लाह की नात बयान की तो यही तो कहा, मवजु शमसुद्दुहा मन खतहु बदरुद्दुजा मन जातहु नूरुल हुदा। हुजूर को नूर मानना ये किसी फिरके की बिदत नहीं है। जिस हुसैन पाक ने दीन को जिंदा कर दिया, उस हुसैन के घर का मसलक है ये। मनजातहु नूरुल हुदा, सिर्फ नूर नहीं, नूरुल हुदा, हिदायत का नूर। मन कफहु बहरुल हिमम, उनके हाथ जो है वो सखावत के दरिया हैं, उनके हाथ सखावत के दरिया हैं। और फिर मेरे इमाम ने जब सुना आकाओं से तो फिर कहने लगे, क्या कहते, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है।
वो कौन सी नेमत है जो हमें नहीं मिल सकती, इसलिए कि हमारे आका सबसे ज्यादा सखी हैं। हुजूर ने अपनी जिंदगी में कभी इनकार नहीं किया। फिर हजरत जुबैर कहते हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ के हवाले से भी मिश्कात में लिखी हुई, हुजूर बखील नहीं थे, हुजूर बखील नहीं थे, हुजूर बुजदिल भी नहीं थे, ना बखील थे ना बुजदिल थे। अब जो बखील नहीं होगा वो सखी होगा, और जो बुजदिल नहीं होगा वो बहादुर होगा, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सबसे ज्यादा बहादुर थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम अगर लोगों को माफ कर देते थे या लोगों से लड़ते नहीं थे, तो इसका मतलब माज अल्लाह ये नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम लड़ नहीं सकते थे। याद रखना, जो लड़ न सकता और न लड़े ये कमजोरी है, लेकिन लड़ सकता और माफ कर दे इसी को बहादुरी कहते हैं, इसी को बहादुरी कहते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ना बखील थे ना बुजदिल थे, यानी सखी थे और बहुत बहादुर थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बहादुरी तो लोगों ने देख ली ना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग हुनैन के मौके पर लोगों के कदम उखड़ गए, तो उस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने दुलदुल पे बैठ करके कह रहे थे कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अना नबी ला कज़िब, और मैं झूठा नबी नहीं हूं, यानी सच्चा हूं। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुश्मन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हैरत है, लोगों की तलवारें जो काम नहीं करती, हुजूर की कंकरियों ने वो काम किया कि दुश्मन मुंह फेर करके भाग गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम गुलामों का और बच्चों का भी लिहाज करते थे। यह भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर उसके बाद हजरत सैयदना अनस बयान करते हैं, बुखारी शरीफ के हवाले से साहिब मिश्कात ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर कोई कहीं ले जाना चाहता कि या रसूलल्लाह फला जगह चलिए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं झटकते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़ते थे। आज लोगों का हाल क्या है, लोगों ने इंसानियत को अमीरी और गरीबी में तकसीम कर दिया, लोगों ने इंसानियत को अमीरी और गरीबी में तकसीम कर दिया है। यानी मालदार बुलाएगा तो जाएंगे, गरीब बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। अब तो अमीर और गरीब के जनाजे भी पहचान में आते हैं, जिसके जनाजे में चंद लोग नजर आए समझ जाओ किसी गरीब गुमनाम का जनाजा है, और अगर किसी के जनाजे में फिर टोपियां ही टोपियां नजर आए और जो वो सब लोग नजर आए समझ जाओ कि ये किसी अमीर शहर का जनाजा जा रहा है। यानी हमने जनाजों को भी अमीर और गरीब में तकसीम किया, हमने दावतों को भी अमीर और गरीब में तकसीम किया। माज अल्लाह, लोगों ने गोया के दौलत को अपना बुत बना लिया है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो जहां ले जाना चाहता आकाए करीम उसके साथ वहां तशरीफ ले जाते, हत्ता के पागल लोग भी हुजूर को पकड़ लेते और वो पागल हुजूर से कहते हमारे साथ चलिए, सरकार उनके साथ भी चल पड़ते। मैं उस वाक्य की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, इससे पहले मैं वो वाकयात बयान कर चुका हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके पागलों के साथ भी चल पड़ते, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम पागलों को भी प्यार देते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे हुजूर से कहते हुजूर हमारे साथ चले, और हुजूर का हाथ पकड़ लेते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ भी चल पड़ते। शान क्या है, घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आए, रूह कुद्स के ताज के मोती जिसे सजदा करते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल, इमाम अहले सुन्नत की एहतियात भी देखें, ताज रूहुल कुद्स के, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। जिस जिब्रील के कदमों को सिदरा चूमता है उसके सर के ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। बुलंदी का आलम यह है, शान का आलम यह है, अजमत का आलम यह है, बुजुर्गी का आलम यह है, उरूज का आलम यह है कि खुदा जिसकी रजा चाहता है। लेकिन अल्लाह अकबर, उस रसूल की सादगी का हाल यह है, तेरी आजजी पे कुर्बान,
तेरी सादगी पे कुर्बान हो सलाम आज जाना मक्का मदीना वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीवानों, छोटे छोटे बच्चे गुलाम हुजूर अलैहि सलाम को कहीं ले जाना चाहते, हुजूर उनके साथ तशरीफ ले जाते। फिर हजरत अनस ही कहते हैं, हजरत अनस ज्यादा हुजूर की सीरत बयान कर, सीरत हजरत अनस इसलिए ज्यादा बयान करते क्योंकि ये हुजूर के साथ ही लगे रहते थे, अक्सर हुजूर की खिदमत में रहते थे तो हुजूर की सीरत ये ज्यादा बयान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ते चलते चलते भी अगर कोई अपनी हाजत पेश कर देता, कोई भी हाजत पेश कर देता तो हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ते ही में उसकी हाजत पूरी फरमा देते, हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ते में उसकी हाजत पूरी फरमा देते थे। और फिर ये 7 हदीसें हो गई। 8वीं रिवायत, ये भी अनस इब्ने मालिक बयान करते बुखारी शरीफ में, हुजूर अलैहिस्सलाम कभी फहश गोई नहीं करते, कभी बुरी बात हुजूर की जबान से नहीं सुनी, ना हुजूर किसी को लानत करते थे, ना हुजूर किसी को बुरा कहते थे, हुजूर की जबान से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी गई, हुजूर ने कभी किसी को लानत नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी फहश गोई नहीं फरमाई। और आज अब अपनी जबानों को देखें, लानते भी कर रही है, बुराई भी कर रही है, गीबत चुगली सब हम कर रहे हैं और उसके बाद फहश गोई। आज हमारे जवान, आज हमारे जवान उनके हाल देखें, उनकी जिंदगी देखें, कैसी गंदी गंदी गालियां, बल्कि जवान तो जवान, हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी गालियां देते, माँ बहन से कम की तो देते ही नहीं है, शर्म आती है सुनने के बाद, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। अब तो डर लगता है कि आने वाली नस्लों को अगर बचाना है तो मुस्लिम मोहल्ले में रहे कैसे। लोग कहते हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, क्योंकि गालियां सुनने के लिए भाई स्कूल जो है आदमी बच्चे को डालता है स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे किसी स्कूल में गाली सीखने तो नहीं जाते। ये गाली कहां से सीखते, गंदी गंदी गालियां, या तो वो अपने घर वालों से सुन के सीखते हैं या तो वो अपने मोहल्ले वालों से सुन के सीखते, गंदी गालियों का रिवाज है। और सुनो, ये गालियां जो तुम देते हो इसका तसव्वुर इस्लाम में है ही नहीं। किसी को कुत्ता कह देना ये गाली है, और किसी मुसलमान को कुत्ता कहा, सरकार गरीब नवाज फरमाते, बंदर कहा, सुबर कहा, लानती कहा, बगैर किसी उजर शरई के सरकार गरीब नवाज फरमाते ये गाली गाली। और किसी मुसलमान को तुमने गाली दी कुत्ता बिल्ली सुअर कहकर, खबीस कह के, पलीत कह के तुमने गाली दी, दयोश कह के, ये गाली है। अब जो किसी मुसलमान को गाली दे, अल्लाह की बारगाह में तोबा ना करे, उसके मुझसे माफी ना मांगे, डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी मुसलमान को गाली दी थी। अब आम मुसलमान को गाली दो तो मरते वक्त तो जबान पे कलमा नहीं आता, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। जो अपनी बीवी को गाली दे, अपने बच्चों को गाली दे, अपने समाज में गाली दे, आज किस किसकी जबान गाली से बची हुई। मैं तो ये भी देखता हूं माज़ अल्लाह, अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए, मैंने तो दाढ़ी वालों को भी चेहरे पे दाढ़ी आए हैं, हाजी साहब कहला रहे, नमाजी साहब कहला रहे, गाली देते हुए सुना, माँ बहन की गालियां, क्या हो गया मेरी कौम को। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के करीब आओ। आज जो दुनिया अपने से नफरत कर रही है, जो दुनिया आज हमें जिल्लत की निगाह से देख रही है, उसकी वजह यह है कि हुजूर की सीरत से कोसो दूर हो गए। जबान पर फहश कोई है, गंदी बातें करते हैं, गंदे डायलॉग बोलते हैं, और अब तो ये कि किसी को कुछ कहते सुना हम भी कहना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, अपनी जबान की हिफाजत करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की जबान से कभी किसी ने फहश गोई नहीं सुनी, बुरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करने में इतनी एहतियात करते थे कि अल्फाज जो बेहतर से बेहतर होते थे, आला से आला होते थे, हुजूर उनका इंतखाब फरमाते थे, गुफ्तगू करने में आला से आला का इंतखाब फरमाते थे। नवी रिवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी पे बहुत ज्यादा नाराज होते, इताफ फरमाते, तो उसको बस इतना कहते कि तेरी जबीन, तेरी पेशानी खाक आलूद हो,
तेरी पेशानी खाक आलूद हो। अल्लाह के रसूल ये फरमाते, ये भी अनस इब्ने मालिक ने बयान किया है और मैंने आपको इससे पहले की नशिश्त में कहीं कहा था कि खाक आलूद होने का मतलब अल्लाह अकबर, आशिकों ने यह भी लिया है कि अल्लाह तुझे सजदे की तौफीक दे तो तेरी पेशानी पर सजदा करते वक्त खाक लग जाए, यानी उसमें भी जो है एताब के वक्त भी गोया के इतनी अजीम दुआ होती। और हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम कंवारी पर्दा नशीन से भी ज्यादा हया फरमाते थे। हुजूर इतने हयादार थे कि कंवारी लड़कियां, गैर शादी शुदा लड़कियां, कंवारी पर्दा नशीन लोगों से जिस तरह हया करती है उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल हया फरमाते थे। इस रिवायत को उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी बयान फरमाया है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हया फरमाते थे जैसे कंवारी लड़कियां पर्दा नशीन हया नहीं करती, उससे ज्यादा हुजूर हया करते थे। अब तो ये है कि छोटे छोटे बरमुंडे पहन करके गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, बनियान पे घूमते रहते हैं, पूरा बदन नजर आता है, ये सूरत हाल है, हया कहां गई? और लोग कहते हैं हम तो मर्द है ना, तो मर्द है तो नंगे घूमेंगे आप, मर्द है तो इसका ये मतलब है कि आपने नंगे घूमना है? नहीं नहीं, हया भी कोई चीज होती है, शर्म भी कोई चीज होती है। फरमाया गया जो जितना ज्यादा बाहया होगा उसका ईमान उतना ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए कि हया ईमान के शोबों में से एक शोबा है। कपड़े इतने फिट और टाइट पहनते हैं कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि पहनना नहीं पहनना दोनों बराबर होता है। इतने कस्से कपड़े कि जो वो चलते हुए जिस्म के उन आजा को का नशीब व फराज नजर आए जिनको देखने के लिए मना किया गया है। सतर जाहिर हो, इतने फिट और टाइट कपड़े पहनना तो साइंस भी कहती है कि नुकसानदेह है। ऐसे कपड़े मत पहनो कि जो बहुत ज्यादा टाइट फिट हो। फिटिंग में पहनना अच्छी बात है, आदमी खूबसूरत लगता है, लेकिन इतना भी फिट पहने कि आपके आजा ही नजर आने लग जाएं, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इससे इस इंसान की चमड़ी को भी नुकसान है, इंसान की चमड़ी भी उससे जो है वो नुकसान उठाती है। तो इसलिए अल्लाह के हबीब अलैहि सलातो व तस्लीम जो है वो हया फरमाते थे। हुजूर के अंदर बड़ी है और ये हया का ही हिस्सा है, ये हया का ही हिस्सा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया की वजह से, ये फिर दसवीं हदीस, कभी खिलखिलाकर कहकहा लगाकर नहीं हंसते थे। ये हया थी हुजूर की, कभी कहकहा लगा के नहीं हंसते। कुछ लोगों को देखो तो वो ऐसे कहकहे लगाते थे कि अगर जो है वो शोर शराबा ना हो तो तीन गली तक की आवाज चली जाए। कहकहा लगाने से दिल मुर्दा होता, कहकहा लगाने से यानी खूब खिलखिला के मुस्कुराओ, मुस्कुराना सुन्नत है। हुजूर कसरत से तबस्सुम रेज होते थे, हुजूर कसरत से तबस्सुम फरमाते थे, हुजूर कसरत से मुस्कुराते थे, लेकिन खिलखिला कर कभी किसी ने हंसते नहीं देखा, कहकहे लगा कर कभी किसी ने हंसते नहीं देखा। तो हुजूर अलैहि सलाम की हया का एक हिस्सा ये भी था, बारहवीं हदीस पाक, कि हुजूर अलैहि सलाम कभी लोगों के दरमियान अपने पैरों को लंबा नहीं करते थे। ये हुजूर की हया थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी लोगों के दरमियान अपने पैरों को लंबा नहीं किया, दराज नहीं किया। और मैं तो ये कहता हूं कि हुजूर अगर पैर दराज कर देते, लंबे कर देते, हुजूर के तलवे नजर आते और चांद अगर हुजूर के तलवे को एक मरतबा देख लेता तो शायद उस चांद को भी उतर जाना पड़ता। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, गालिबन उस्ताए जमन ने कहा है, आसमा घर तेरे तलवे का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद आई तेरे दीदार की ताब, सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अपने पैरों को लंबा नहीं कर। कुछ लोगों की आदत है यार, बैठते हैं तो ख्याल ही नहीं करते महफिल में पैर लंबे कर दें, और फिर कैसे कैसे बैठते हैं कि अंदाजा ही नहीं होता कि कैफियत क्या है। ये हया के खिलाफ है। हया वाले बनो, पारसा बनो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कंवारी पर्दा नशीन से भी ज्यादा हया फरमाते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहकहा तो नहीं लगाते थे, अलबत्ता तबस्सुम फरमाते, मुस्कुराते थे और मुस्कुरा कर लोगों को अपना बनाते थे। बल्कि फरमाया इमाम ने कि जिसकी तस्की से
रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों से लोग अल्लाह के रसूल के पास रोते हुए आते थे और मुस्कुराते हुए जाते थे। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी बात नहीं करते थे। कुछ लोग की आदत होती ना, समझ में ही नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे राजधानी जा रही है, तो ये नहीं। हुजूर जल्दी जल्दी बात नहीं करते थे, बल्कि ठहर ठहर कर गुफ्तगु करते थे, आराम आराम से गुफ्तगु करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम देखो बोलने का अंदाज ऐसा था कि अगर कोई हुजूर के कलमात को, जबान से निकले हुए कलमात को उंगलियों पे गिनना चाहे तो गिन सके, शुमार करना चाहे तो शुमार कर सके, याद करना चाहे तो कर सके, लिखना चाहे तो लिख सके। इसका मतलब यह है कि ठहर ठहर कर गुफ्तगू करना, यानी जल्दी 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 नहीं। कुछ लोग वो फटाफट बोलते ना, तो अब उसको मैं क्या बोल करके बताऊं, तो लेकिन यह कि लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी, बात ही समझ में नहीं आती। तो इतनी जल्दी ना बोला करें, इत्मीनान से बोला करें, ठहर ठहर के बोला, यह भी सुन्नत है। और मैंने देखा है कि जब कोई बंदा गुफ्तगु करते वक्त ठहर ठहर कर बोलते, अच्छा जब गुफ्तगु करते वक्त ठहर ठहर कर बोलते थे तो इस आवाज में बोलते थे कि कभी कभी सहाबा को यूं कहना पड़ता, हुजूर एक बार और फरमाएं। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम महफिल में बोलते तो ठहर ठहर कर बोलते, आवाज पस्त होती, लेकिन जब खुतबा इरशाद फरमाते तो फिर आवाज ऊंची होती और हुजूर अलैहिस्सलाम के खुतबे की हैबत का ये हाल होता कि जलाल की कैफियत चेहरे से जाहिर होती, आवाज ऊंची होती और नसें हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो जाहिर होती, वो रगे हाशमियत जाहिर होती। और उसके बाद जब खुतबा देते तो कभी दाएं झुकते कभी बाएं झुकते, बल्कि कभी कभी ऐसा होता कि यूं लगता कि कहीं मिंबर हुजूर अलैहिस्सलाम का नीचे ना आ जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम पर यूं कैफियत तारी रहती आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और शान ये थी कि सामने कितना भी बड़ा मजमा हो, पहला बैठने वाला आदमी जैसे सुनता आखिरी वाला भी वैसे ही सुन लिया करता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का मौजजा भी है जिसको अल्लाह ताला ने बतौर करामत ये सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर को अता फरमाया था। हज्जतुल वदा के मौके पर अपनी उठनी पे बैठ के खुतबा दे रहे थे, कमोबेश 1,24,000 का मजमा था, सामने बैठे हुए सहाबी जो सुनते थे, आखिरी वाले सहाबी भी वैसे ही सुनते थे। मेरे इमाम ने कहा है उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, यूं शान होती थी। लेकिन गुफ्तगु करते तो बहुत ठहर ठहर कर करते, इत्मीनान से। इत्मीनान से गुफ्तगु करने का फायदा यह है कि इत्मीनान से जब बातचीत होती है तो वो लोगों के दिलों में उतर जाती है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से कभी कभी कोई कहता कि हुजूर एक बार और फरमा दे, तो हुजूर दोबारा भी फरमा देते, उसको दोबारा फरमा देते। कैसे करीम आका थे, क्या मासूम अदाएं थी, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर घर वालों के साथ मिलकर घर के काम काज भी किया करते थे। अब यहाँ तो हाल ये कि लोग उठकर पानी पीना भी अपनी तौहीन समझते हैं, इस पर कुछ गुफ्तगु पहले हो चुकी है, इस पर मजीद कोई गुफ्तगु नहीं करना चाहता। फिर उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब कोई काम आता और वो ऑप्शन वाला काम होता कि ये या तो ये, ये या तो ये, ये या तो ये, तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमेशा आसान काम को इख्तियार फरमाते। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल को पसंद नहीं करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम काम के मामले में आसानी को पसंद फरमाते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से कभी किसी को मारा नहीं, कभी नहीं, जंग के सिवा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हुजूर ने तो अपनी जात के लिए कभी किसी पे हाथ उठाया ही नहीं, कभी नहीं मारा अपने हाथों से किसी को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। और आज तो हाल ये कि जो लड़ाई झगड़ा नहीं करे वो तो उसको तो लोग कमजोरी समझते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ कभी किसी पर नहीं उठाया पूरी जिंदगी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला भी नहीं लिया,
कभी बदला नहीं लिया बल्कि हुजूर ने माफ किया। बड़ा मशहूर सा वो वाकया है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कि एक मर्तबा आका अलैहिस्सलाम एक जंगल में है और दरख्त के साए में हुजूर अलैहिस्सलाम चादर बिछाकर लेटे हुए हैं। एक काफिर देखता है और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर खड़ा होता है, हुजूर को देखता है कि हुजूर सोए हुए हैं। वो अपनी तलवार निकालता है और इरादा नापाक करता है कि माज अल्लाह वो हुजूर को शहीद कर दे। जैसी तलवार तानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने करवट ली और हुजूर के चेहरे की वो रानाइयां उस पर पड़ी तो उसका हाथ कांप गया। हुजूर ने आंखें खोली और आंखें खोल करके फरमाया क्या करता है, तो अब उसने तलवार उठाई हुजूर को शहीद करने के लिए। और फिर उस शख्स ने कहा ए मोहम्मद बताओ इस वक्त मेरी तलवार को मेरी तलवार से आपको कौन बचा सकता है। देखो तलवार उठी हुई है, हुजूर लेटे हुए हैं, दुश्मन सर पे खड़ा हुआ है और कहता है कि बताओ आपको मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मेरे नबी ने बहुत इत्मीनान से कहा मेरा अल्लाह। अल्लाह पर यकीन ये भी हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने सिखाया। याद रखना, हमेशा याद रखना, इस बात को दिल पे लिख लेना, अगर अपनी जिंदगी लिखी हुई है, जिंदगी अपनी बाकी है, अल्लाह जिंदा रखना चाहता है, पूरी कायनात मिलकर भी हमें मार नहीं सकती और अल्लाह मौत देना चाहता है, पूरी कायनात मिलकर हमें बचा नहीं सकती। इसलिए कभी जिंदगी और मौत का टेंशन छोड़ दो, अल्लाह ने जिंदगी लिखी है वो बचाएगा और अल्लाह ने मौत लिखी है कोई नहीं बचा सकता। मौत जो लिखी हुई है वो वक्त से एक सेकंड पहले भी नहीं आएगी और एक सेकंड बाद भी नहीं आएगी। ये टेंशन का एक है, डरते क्यों हो, किस चीज से डरते हो? जिंदगी और मौत अल्लाह ने लिख दी है, जब तक लिखिए जिंदा ही रहना इंशाल्लाह, जब तक लिखी जिंदा ही रहना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जबरदस्ती कहीं भी छलांग लगाते फिरो, ऐसा नहीं है। हां तदबीर भी कोई चीज है, तदबीर तकदीर पर कभी गालिब नहीं आती, लेकिन अल्लाह ने तदबीर का हुक्म दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा अल्लाह, जैसे ही कहना था मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, उसके हाथ से तलवार छूट गई, गिर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम उठे और उसकी तलवार उठाई और उस पर तान दिया, फरमाया अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। तो उसने कहा आप करीम है, आप करीम है, आपके करम से यही उम्मीद है कि आप ही माफ कर देंगे। हुजूर ने कहा जा मैंने तुझे माफ किया। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कभी बदला नहीं लिया, हुजूर माफ ही करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम बाजारों में कभी शोर नहीं मचाते थे, वो बाजारों में शोर होता है ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी बाजार में शोर नहीं मचा। मेरे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देते थे, बुराई का बदला हमेशा भलाई से देते, बुरे के साथ बुरा काम नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का कितना प्यारा कौल है, फरमाते कांटे के मुकाबले में कभी कांटे नहीं बिछाना वरना दुनिया कांटे से भर जाएगी। अब ये मेरा भाई मेरे साथ गलत करता है तो मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं, मौलाना मैं तो ईंट का जवाब पत्थर, वो मुझे सलाम नहीं करता तो मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। अरे वो नहीं करता, तू कर, नबी का उम्मती है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को अच्छे से बदला दिया, बुराई का बदला भलाई से दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या शान है, कैसे दिया, किस तरह दिया, आइए छोटा सा इख्तिसार के साथ एक वाकया सुन लें। हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में एक दुश्मन था जिसको दुनिया अबू जहल कहती, ये बड़ा मशहूर दुश्मन है, हुजूर का जानी दुश्मन। हुजूर अलैहिस्सलाम को सताते सताते थक गया। एक दिन इस मक्कार ने प्लान बनाया कि एक काम करता हूं कि मैं झूठ मूठ का बीमार बनता हूं, मैं झूठ मूठ का बीमार बनता हूं और जब मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंचेगी कि मैं बीमार हूं तो ये मुझे देखने जरूर आएंगे। यानी दुश्मन को भी इतना यकीन था कि मैं बीमार पड़ूंगा तो देखने के लिए कौन आएगा, हुजूर आएंगे। दुश्मन को, जान के दुश्मन को यकीन है कि हुजूर मुझे देखने जरूर आएंगे। अब तो लोग सगे भाई को भी देखने नहीं जाते बीमार पड़ते,
मालूम पड़ा था, छोड़े अरे मत बता मुझे, मैं कह दूंगा कि मुझे मालूम ही नहीं था। नहीं, गलत कर रहे हो। जिंदगी में ये सब करने नहीं आए थे जो तुम कर रहे हो। जो करने आए थे वो नहीं कर रहे, जो नहीं करने आए थे वो कर रहे हैं। नफरतों के बीज बोने नहीं आए थे जमीन के ऊपर, जिना के अड्डे कायम करने नहीं आए थे जमीन के ऊपर, नशा करने नहीं आए थे, शराब पीने नहीं आए थे, जुआ खेलने नहीं आए थे, औरतों पे बदनजरी करने नहीं आए थे, किसी का हक गसब करने नहीं आए थे, औरतों को जुल्म करने नहीं आए थे, बेटियों को तबाह करने नहीं आए थे, बेटियों को गाली गलौज करने नहीं आए थे, किसी का माल हड़प करने नहीं आए थे, हराम खाने नहीं आए थे, सूद के धंधे करने नहीं आए थे, बुराई करने नहीं आए थे। आए इसलिए थे कि हुजूर अलैह सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करेंगे, आए इसलिए थे कमजोरों को उठाएंगे, आए इसलिए थे किसी के दुख दर्द में काम आएंगे, आए इसलिए थे शराब पीने वालों के हाथ से शराब की बोतलें लेके तोड़ देंगे, आए इसलिए थे नाचने वालों के पैर में जंजीर डालेंगे, आए इसलिए थे कि निगाहें किसी हुस्न की तरफ उठेगी तो हम अल्लाह देख रहा है इस तसव्वुर से निगाहों को नीची कर लेंगे। लेकिन हो क्या गया है? आयश, अय्याशी, आवारगी, गुनाह, पाप, इसके सिवा रह क्या गया है? मगर याद रखना, जहां गुना है वहां फना है। जवानी में नशा करने वालों, जवानी में जना करने वालों, जवानी में जुओं के अड्डों को आबाद करने वालों, जवानी में चोरियां करके अपने नाजायज शौक को पूरा करने वालों, छोटी छोटी बातों पे औरतों को तलाक देकर उन पे जुल्म करने वालों, अपनी बेटियों को मार पीट कर उन पे जुल्म करने वालों, अपने पड़ोसियों को सताने वालों, अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह करीब है। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। किसी भी बंदे पे जुल्म हो अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करे, अल्लाह उस जुल्म को भी पसंद नहीं करता। मेरे नबी पाक ने तो यहां तक फरमाया कि अगर एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करे तो जुल्म करने वाले पहाड़ को भी अल्लाह तबाह कर देता है, तहस नहस कर देता है, उसके वजूद को मिटा देता है। याद रखना, जब तुम्हारा दिल किसी पे जुल्म करना चाहे तो सोच लो, अगर पहाड़ किसी दूसरे पहाड़ पे जुल्म करे तो पहाड़ का वजूद मिट जाता है। सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करे तो उस बकरी को जवाल आता है, तबाही उस पर आती है। इंसान इंसान पे जुल्म करेगा तो वो आबाद कैसे रहेगा? इंसान इंसान पे जुल्म करेगा वो शाद कैसे रहेगा? और फिर मुझे बताओ तो सही, इंसान किसी इंसान पे जुल्म करे तो वो तबाह होता है? इंसान अपने आप पे जुल्म करे, इसलिए कि इंसान का किसी इंसान पे जुल्म करना ये है कि उसको सताना, उसको मारना, उसको गालियां देना, उसकी हक तलफी करना, ये इंसान का इंसान पे जुल्म है। लेकिन इंसान का अपने आप पे जुल्म ये है कि गुनाह करना गोया कि अपने आप पे जुल्म करना है। मेरे अजीज जवान, अगर तू रात की तारीकी में शराब के अड्डों पर जाकर के शराब पी के नशा करता है तो तू अपने आप पे जुल्म कर रहा है। जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, ये चीजें तुझे तबाह कर देगी, ये चीजें तुझे बर्बाद कर देगी, ये चीजें तेरे खानदान को बर्बाद कर देगी। चोरी करने वालों, हलाल कमाने वाले इस वक्त तो बेचैन है कि पूरा जिंदगी का कहां से करे, जब हलाल के जरिए से आदमी जो है वो अपनी जिंदगी के खराजात पूरे नहीं कर पा रहा है तो चोरी करके तुम कौन सी तरक्की कर लोगे? याद रखो, ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें तबाही के दहाने पर ले जाने वाली है, ये चीजें बर्बादी के दहाने पे ले जाने वाली है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं बात कहने चला था कि दुश्मन को भी ये यकीन था कि आकाए करीम को जब पता चलेगा कि मैं बीमार हूं तो वो मुझे देखने के लिए आएंगे। अबू जहल वो झूठ मूठ का बीमार पड़ गया, वो झूठ मूठ का बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ा तो उसने ये प्लान किया, एक गहरा गड़ा खोद दो, उस पर पटरा रख दो, उसमें रस्सी बांध दो, जब हुजूर आएंगे मैं पटरा खींचूंगा, माज़अल्लाह हुजूर उस गड़े में चले जाएंगे, फिर क्या होगा कि मैं गड़ा बंद कर दूंगा, इस तरह मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला अबू जहल बीमार है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है, बीमार की बन आई है। अल्लाह अकबर, हुजूर सबके हाल पे करम करते हैं। पता चला बीमार है, हुजूर गए उसके दरवाजे तक पहुंचे,
अल्लाह ने जिब्रील को भेज के कहा महबूब वापस जाओ। उसने बिस्तर पे लेटे लेटे हुजूर को देख लिया, हुजूर आए। जैसे ही वो रस्सी खींचना चाहता था हुजूर अलैहिस्सलाम वहीं से वापस, जैसे हुजूर वापस हुए ये टेंशन में आके हुजूर के पीछे भागा हुजूर को बुलाने के लिए, भूल गया कि मैंने ही गड़ा खोदा था। इसका पैर पड़ा और ये अंदर चला गया। हुजूर तो वापस तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गड़ा इतना गहरा खोदा था उस बदबख्त ने कि उस गड़े में जो गिरा, कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में जाता है, शायद लोगों ने वो मसल वहीं से सीखी है कि किसी के लिए खोदोगे तो खुद ही गिरो, मत खोदो गड्ढे, मत खोदो किसी के लिए गड़ा, मत खोदो तुम उसमें गिरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, कभी बुरा मत करना। किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बुरा भी मत करो, छोड़ दो बुराई। किसी की अच्छाई बयान कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। किसी की तारीफ कर सकते हो करो, नहीं कर सकते चुप रहो। किसी के लिए गड्ढा मत खोदो। आजकल तो हालत ये है कि किसी का अच्छा चलता देखेंगे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। अब तो लोगों का हाल ये, धंधा अच्छा चल रहा है उसके पीछे पड़ जाएंगे कि उसका धंधा खत्म हो जाए। उसकी बेटी को रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, रिश्ते जो है वो उकसाना शुरू कर देंगे, अरे वो तो ऐसे वो तो वैसे। मैं कई लोगों को जानता हूँ बेचारे आकर के दास्तान सुनाते हैं कि नेक है, बेटी भी नेक है, बेटा भी नेक है, कमाते हैं, खाते हैं, खुशहाल हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते आते हैं, पड़ोसी देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है रिश्ते लेकर। बस जैसे ही देखा कि वो फुलां आए बैठे चाय वाय पी करके गए, ये उनके घर चले जाते, अरे वो कहाँ रिश्ता करने जा रहे, उनके यहाँ तो वो उसकी दादी की खाला की फुप्पू को कोढ़ का मर्ज था। अब वो भी बेचारा पागल, और दादी की खाला की फुप्पू को वो कोढ़ का मर्ज था, तो उनका खानदान तो दाग वाला खानदान है, अब उस खानदान में रिश्ता नहीं हो सकता। इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। अरे उसको कोढ़ तो नहीं है तू जिसके साथ शादी कर रहे हैं, जिसको बहू बना के ला रहा है, जिसको बेटी दे रहा है, दादी को था, दादी की खाला को था, उसकी फुप्पू को था, उससे तुमको क्या मतलब। और अगर उसको माज़ अल्लाह जिसको तुम ये कह के कि इनका खानदान अच्छा, अभी मालेगांव में पता नहीं कि लोगों ने क्या क्या रिवाज निकाल रखे कि एक साहब मेरे पास आकर के बैठे, बोले कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखो। मैंने कहा कि आपका मुतालबा क्या है, वो बताया सब मुतालबा, साथ में ये भी कहा खानदान साफ सुथरा रहना चाहिए। मैंने कहा साफ सुथरे का क्या मतलब, खानदान साफ सुथरे का मतलब कि पूरे खानदान में किसी को बर्स की कोढ़ की बीमारी नहीं होनी चाहिए। मुझे गुस्सा आया उस पर, मुझे उस पर गुस्सा आया कि मैंने कहा आप ये जो साफ सुथरा खानदान देख रहे हैं तो ये बर्स की बीमारी किसको किसको नहीं हो, ये इंसान के अपने हाथ में। अगर तेरे घर में तेरी बेटी को कोढ़ हो जाए तो क्या तू उसको काट के खल्ले पे फेंक देगा या जिंदा दफन कर देगा, वो तो यही चाहेगा ना कि इसका कहीं ना कहीं रिश्ता हो जाए। ये सब जहालत की बातें, कोई जरूरी नहीं है कि अगर मां को बर्स है सफेद दाग है तो उसकी औलाद को भी, कोई जरूरी नहीं है। अब डॉक्टर लोग जो कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन ये हमारे मजहब की बात है। अगर लोग कहते मां को शुगर है तो बच्चों को भी होगी, तो मां को शुगर है तो बच्चों को भी होगी, तो एक ही को क्यों होती, दूसरे चार बच्चों को क्यों नहीं होती, ये भी तो है ना। मां को ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को भी होगी, ये सब कुछ नहीं है। हमारा ईमान है अल्लाह जिसको देगा उसी को होगी, बस ये अपना ईमान है। डॉक्टर लोग कुछ भी कहें, डॉक्टर लोग मुझे माफ करें, लेकिन एक सहाबी आए, देखो ये बात याद रखना, एक सहाबी आए। कुछ लोग जो ना डरते हैं अगर कोई बंदा किसी को सफेद दाग हो जाए खाने के लिए नहीं बैठते पास, एक शादी में भी हो जाए दावा नहीं खाते, एक साथ नहीं खाते, वो इधर घूम रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। नहीं, नफरत मत करो, तुमको हो जाएगी तो क्या करोगे। टीबी का मर्ज किसी को है, ठीक है एहतियात अपनी जगह, नफरत क्यों करते हो, नफरत मत करो। एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती, ये बात अपने अकीदे में बना लो, और अकीदे में बना लो कि अपना अकीदा है एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती, यानी एक से दूसरे को बीमारी नहीं लगती। होगा ना उसको खुजली उसके पास बैठूंगा तो मुझे भी हो जाएगी, नहीं। अगर तेरी तकदीर में है तो होगी, तकदीर में नहीं है
तो वो खुजली वाले का हाथ पकड़ के अपने हाथ से मल लेगा तो भी नहीं होगी, अपना ईमान है। और यकीन मजबूत रखो। एक सहाबी आए का या रसूल अल्लाह मेरे ऊंट को खुजली हुई और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को खुजली हो रही है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा अगर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो रही है तो पहले को कहां से हुई, पहले को कहां से हुई, उसको कहां से आई। तो ये सब जहालत निकालो। देखो हम मुसलमान हैं, अपनी अकल मत चलाओ। और ये जो साइंस क्या करी, साइंस साइंस, अरे साइंस बदलती रहती है और इतनी जल्दी बदलती है ना। साइंस का मैं मुखालिफ नहीं हूं, जो बातें अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन ये बदलते रहते हैं। ये चलते सूरज, ये चलते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं, चलते पुर्जे लोग हैं ये। हम लोग जब तीसरी जमात में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तीसरी क्लास का तालिब इल्म हूँ तो था तो मेरे टीचर एक गोल दायरा खींचते थे, बोलते थे बच्चों अपनी जमीन गोल है, कि तीसरी जमात में। फिर मैं पांचवी में गया तो वही उस्ताद ऐसे अंडे जैसा बना के कहते थे बच्चों अपनी जमीन बैजवी शक्ल की है। दो साल में उस पलटी मार दिए। अब आप मुझे बताएं, फिर वो टीचर साहब, मैं टीचर का मजाक नहीं, मेरे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स अब भी खुशकीदा टीचर्स से मिलते हैं, मैं उनके हाथ चूमता हूँ। जैसे मदरसे के असातिज़ा के हाथ चूमता हूँ, वैसे मैं अपने स्कूल के टीचर्स के जो खुशकीदा है उनके हाथ चूमता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने हमें एजुकेशन दिया। उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको कहता हूँ कि साइंस के नज़रियात बदलते रहते हैं, हमारे मजहब की तालीम कभी नहीं बदलती। ला तब्दील अल कलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कह दिया उसके कलिमात कभी नहीं बदलते। उसने जो कह दिया वो वही हक है, हुजूर ने जो कह दिया वही हक है। तो ये एक से दूसरे को बीमारी, दूसरे से तीसरे को, ये सब नई बात है। ये जो आपने जहालत तराश रखी है, खानदान साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, खानदान साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, लेकिन बीमारी से मत, बीमारी से नहीं, गुनाहों से साफ होना चाहिए, पाप से साफ होना चाहिए, जराइम से साफ होना चाहिए, बदकारी से साफ होना चाहिए, बदकिरदारी से साफ होना चाहिए। ये देखो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी सौरेगी और आखिरत भी सौरेगी। खानदान साफ जरूर देखो, लेकिन किरदार और कैरेक्टर के एतबार से साफ। और याद रखना, जो बीमारियों पर किसी को ताना देकर उसका दिल दुखाते हैं, अल्लाह मरने से पहले उनको उन बीमारियों में मुब्तला करता है। इसलिए किसी को बीमारी किसने दी है यार, बीमारी देने वाला कौन है, अल्लाह है। इसलिए किसी की बीमारी देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, किसी की बीमारी देखकर। और अरे बीमारी अगर अजाब होती सबके लिए, कुछ लोगों के लिए अजाब जरूर है सबके लिए नहीं, तो अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार क्यों करता। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने बीमार हुए कि शहर छोड़कर आप जंगल में तशरीफ ले गए। तो इसलिए ये सारी बातें छोड़िए, दीन सीख रहे हो, दीन पे अमल कीजिए, दीन पढ़िए, सीरत रसूल पढ़िए, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़िए। तो वो गड्ढा उसने खोदा था, वो उसमें गिर गया अबू जहल। अब वो गड्ढा था बड़ा गहरा, कोई निकाल ही नहीं पा रहा था। अबू जहल ने अंदर से चिल्ला करके कहा तुम नहीं निकाल सकते, अगर मुझे कोई निकाल सकता है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत निकाल सकते, रूही फिदा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल सकते। हुजूर को बुलाया गया, या रसूल अल्लाह उसने आपके लिए गड्ढा खोदा था वही गिर गया, निकाल दीजिए। हुजूर ने ये नहीं कहा अच्छा हुआ अपने मजे को पहुंचा, उसको तो यही होना था, नहीं कुर्बान, बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देते। जब कहा ना कि हुजूर चल के निकाल दीजिए, हुजूर तशरीफ लाए और आए तो उससे कहा अबू जहल मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुझे निकाल दिया तो क्या तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल हो जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाया, हुजूर का मोजज़ा जाहिर हुआ, हाथ उसके हाथ तक पहुंच गया, जहां रस्सियां टूट रही थी हुजूर का हाथ वहां तक पहुंचा, और उसको पकड़ के पलक के झपकते ऊपर निकाला। सरकार ने कहा अबू जहल मैंने अपना वादा पूरा किया, तुझे निकाला ना, अब तू अपना वादा पूरा कर। तो उस बदबख्त ने कहा माज अल्लाह आज पता चला माज अल्लाह कि तुमसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम बुराई का बदला मगर कभी बुराई से नहीं देते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं दिया, हमेशा बुराई के बदले में हुजूर ने भलाई दी। अब आखिरी बात कह दूं, यानी कि यहां पर
अब 22 सदी से मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मज़ीद वो 18 रिवायतें फिर पढ़ दी जाएगी। टाइम ख़त्म हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम मरीजों की इयादत के लिए जाते थे, बीमारों को देखने के लिए। ये बहुत बड़ी इबादत है, बीमार को देखने जाना, जनाजे में शिरकत करना। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में भी जाते थे, ये हदीस पाक है, दोनों हदीस एक साथ आई है। इसके अंदर हुजूर मरीज की इयादत करते थे और जनाजे के पीछे चलते थे। इब्ने माजा की रिवायत है और इसके रावी भी हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक। बीमारों को देखने जाओ, बड़ी बरकत है। हदीस पाक में आता है जब कोई बीमार को देखने जाता है तो वह अल्लाह की रहमतों में नहाता है, और जब बीमार के पास बैठता है तो वह अल्लाह की रहमतों में गोते लगाता है, और जब बीमार के पास बैठता है गोया कि वह जन्नत के फूल चुनता है, जन्नत के फल चुनता है। और बीमार के पास बैठकर जब बंदा कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए बीमार के पास जाओ तो अच्छी अच्छी बातें किया करो, बीमार के पास जाओ अच्छी अच्छी बातें किया करो, बीमार के पास बैठकर उसकी उसको तसल्ली दिया करो। कुर्बान जाए, बस बात एंड को पहुंचते, इख्तिताम को, आदत बनाओ बीमार को देखने जाने, बड़ी बरकत है। फरमाया गया हदीस पाक में आता है जब कोई बंदा किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, जब कोई बंदा किसी बीमार को देखने के लिए जाता है, उसकी इयादत के लिए जाता है, तो वो जाने वाले बंदे की अल्लाह तबारक व ताला मगफिरत फरमा देता है, और हर कदम के बदले उसे एक साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुसलमान तो मुसलमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम तो काफिरों की भी इयादत के लिए जाते थे। अगर काफिर के बारे में भी पता चलता था कि वो बीमार है तो हुजूर काफिर की इयादत के लिए भी जाते थे। अल्लाहु अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा का ये वाकया है कि एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम किसी ज़रूरी काम से तशरीफ ले जा रहे और एक घर से किसी के कराहने की चीखने की आवाज़ आती है। सरकार ने फरमाया क्या है, तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अबू जहल का एक गुलाम है और वो मुसलमान नहीं है और वो बीमार है। अल्लाह के हबीब ने सुना बीमार है, हुजूर अलैहिस्सलाम जिस काम से जा रहे थे उस काम को छोड़ दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम उस बीमार को देखने के लिए गए। अच्छा, आजकल तो हम ये भी देखते हैं अगर कोई दवा खाने में जाता है, दवा खाने में, तो वो अपने रिश्तेदार को देख के निकल जाता है। अरे अल्लाह के बंदो, अच्छा मौका है, जब दवा खाने में पहुँच ही गए तो अगर वहाँ चार छः और भी लोग हों तो उनकी भी ज़रा खैर खैरियत पूछ लो, आप अच्छे हैं, ठीक है, इतने में क्या जाते, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाओगे, फिक्र मत करो। हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने उसकी मौत लिखी है तो तुम्हारी तसल्ली उसकी मौत टाल नहीं सके, लेकिन तुम्हें बीमार के पास जाकर अच्छी बात कहना चाहिए ताकि उसकी हिम्मत बंधे। चार छः लोग को जिस दिन हमें बीमार को देखने की फजीलत पता हो जाएगी, नींद से उठने के बाद सीधा पहले दवा खाने का रुख करोगे, लेकिन पता नहीं है। अरे ये एक साल की इबादत का सवाब हर कदम पर, एक साल की इबादत का सवाब हर कदम पर कितना सस्ता है, कयामत में एक एक नेकी की कीमत है, और यहां पर एक कदम पर एक साल की इबादत का सवाब बीमार को देखने जा रहे, लेकिन नहीं जाना चाहते, गेम खेलते बैठे होंगे मोबाइल पे, इधर इधर बैठकर भंकस बाजियां कर रहे होंगे, व्हाट्सएप में लगे होंगे फजूल चैटिंग करते चीटिंग करते हुए, फेसबुक पे लगे होंगे फजूल काम करते हुए। अरे नहीं कुछ करते तो कम से कम कुछ आखिरत के लिए जखीरा इकट्ठा कर लो, पड़ोसी बीमार है चले जाओ, ननियाली रिश्ते के बीमार है चले जाओ, ददियाली रिश्ते के बीमार चले जाओ, दोस्त बीमार है चले जाओ। और अब तो बहुत आसान काम है भाई, कम से कम फ़ोन उठा करके खैर खैरियत ही लोगों की पूछ लो, लेकिन इतना भी नहीं होता लोगों से। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला कि अबू जहल का गुलाम है, मुसलमान नहीं है, काफिर है, बीमार है। हुजूर ने काम छोड़ दिया और उसके पास गए तो देखा कि वो अकेला पड़ा हुआ था और कहता था लोगों ने मुझे जाहिर कर दिया। हुजूर उसके सराहने बैठकर उसके सर पे हाथ रख के, पेशानी पे हाथ रख के फरमाते थे मगर मोहम्मद तेरे सराहने मौजूद है। वो कहता था लोगों ने मुझे जाहिर कर दिया, हुजूर कहते थे मगर मोहम्मद तेरे सराहने मौजूद है। हुजूर उसको ये तसल्लियां देते रहे, जब उसको थोड़ा इफाका हुआ हुजूर वहां से निकले। साहबा ने अर्ज़ किया आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप इतनी देर उसके पास बैठ गए। सरकार ने फरमाया कि किसी बीमार के सराहने चंद लम्हे बैठ जाना रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है,
रात भर की नफिल इबादत से बेहतर है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे सरकार कितने अच्छे थे, उन्होंने अपने अखलाक से, अपने किरदार से लोगों के दिल जीते, और आज हम अपनों को अपना ही ना बना सके। आइए आइए अपनी जिंदगियां बदलें, सीरत के साचे में ढलें, हुजूर की ज़िंदगी पढ़ें, हुजूर की ज़िंदगी पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि अपना सुन्नी दावत इस्लामी का मरकज़ जामा मस्जिद या रसूलल्लाह बाजू की गली में हफ्तावारी इज्तिमा हर जुमा को होता है। ईशा के बाद आप उस इज्तिमा में हर हफ्ते जुमा के दिन आएँ, इंशाल्लाह इस्लाही उन्वानात पर इस तरह से आपको बयानात सुनने मिलेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी बदले। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा मुंबई की सरजमीन पर वादी नूर में होता है। इस साल मुंबई की सरजमीन पे सुन्नी इज्तिमा 27, 28, 29 दिसंबर को हो रहा है। 27 को औरतों के लिए और 28 और 29 दिसंबर को मर्दों के लिए इज्तिमा हो रहा है। आपसे गुजारिश है अभी से जहन बनाएं, अभी से नियत करें। अभी से नियत कर लोगे तो अल्लाह ताला अभी से तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। अभी से नियत कर लो, इज्तिमा में चलना है ना इंशाल्लाह, सबको वादी नूर चलना है ना इंशाल्लाह। और इदारे वालों से गुजारिश है, हमारे नौजवान माशाल्लाह मर्चेंट नगर के हमारे नौजवानों ने ये महफिल आज सजाई मुनक्किद की है, अल्लाह ताला है माशाल्लाह मुरीदीन ने अल्लामा शाकिर नूरी साहब ग्रुप ने ये महफिल सजाई, अच्छी महफिल है। सरकार का जिक्र हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं हुजूर का जिक्र करता हूँ, इसलिए कि मैंने एक बुज़ुर्ग की ज़िंदगी में पढ़ा है कि हुजूर का नाम हमारी ज़बानों पे उसी वक्त आता है जब हुजूर हमें पहले याद करते हैं। वो हमें याद करते तब हम उन्हें उनकी याद करते हैं। तो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं मतलब उन्होंने हमें याद किया तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, और उनकी याद के सिवा अपना काम भी क्या है। तेरा जिक्र हमारे लिए सब कुछ है, और बल्कि उन्हीं के जिक्र से अपने काम बनेंगे। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बे किया किया होगा। याद रखिए हुजूर से अपने ताल्लुक को बढ़ाइए, हुजूर से रिश्ता मजबूत कीजिए। देखो एक आखिरी बात करते हुए, इख्तिताम को पहुँचाते हुए एक तोहफा आपको देना चाहता हूँ, बहुत प्यारी बात, जिंदगी में भी काम आएगी आखिरत में भी काम आएगी। किसी से ताल्लुक जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना है, ताल्लुक बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? सलाम करेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, बार बार मिलेंगे जुलेंगे, उससे ताल्लुकात बढ़ते हैं। इमाम साहब से, हमारे हाफिज साहब से, हमारे कारी साहब से, हमारे मुबल्लिगीन से सलाम किया, तोहफा दिया, इतर दिया, बार बार मिले तो ताल्लुक बढ़ते हैं। अब हुजूर से ताल्लुक कैसे बढ़ता है, हुजूर से ताल्लुक ऐसे बढ़ता है, उनका जिक्र कसरत से करो और उन पे कसरत से दुरूद पढ़ो। अगर 500 बार दुरूद पढ़ा तो 500 मरतबा हुजूर के दरबार में आपका नाम आपके अब्बा के नाम के साथ लिया जाएगा। 1000 बार पढ़ा तो 1000 बार, तो अब बताइए क्या होगा। सुभान अल्लाह, जो दुरूद पढ़ते हैं कसरत से अल्लाह ताला उनके गमों को दूर कर देता है। हुजूर से रिश्ता जोड़ो, सब टेंशन खत्म हो जाएंगे, सब बलाएं खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हुजूर से बड़ा ताकतवर अल्लाह की मखलूक में कौन है। जो हुजूर से दिल लगा लेता है हुजूर उसकी बलाओं को बला में गिरफ्तार कर देते। अख्तरे खस्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। लौ लगा तो सही शाहे लौलाख से, गम मुसर्रत के सांचे में ढल जाएगा। और कहा है ना कि बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। तो उनसे रिश्ता जोड़िए, यानी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, हुजूर पे कसरत से सलाम पढ़िए, हुजूर की नातें पढ़िए, हुजूर का जिक्र कीजिए। लेकिन याद रखिए ऐसा नहीं कि 500 बार दुरूद पढ़ने और फजर की नमाज ही नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं। नमाज भी पढ़िए, नमाज फर्ज है, सारी इबादतें नमाज के बाद, ये अफजलुल इबादात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ ही काम कीजिए। याद रखिए जिस दिन अपने दिल के तार हुजूर से जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह आप हर गम से बेगम हो जाएंगे, हर खौफ से बेखौफ हो जाएंगे। बल्कि जब हुजूर से दिल लगता है
तो फिर कब्र से कब्र की मुसीबतें भी इंसान को नहीं धमकाती, नहीं डराती। फिर वो कहता है आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। जब कभी ये ख्याल आता है कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा तो दिल चाहता है अब जल्दी चलना चाहिए, अब जल्दी चल, क्योंकि कितनी भी इबादतें कर लो ज्यादा से ज्यादा ख्वाब में नजर आएंगे, लेकिन जब कब्र में जाएंगे तो वो ख्वाब में नहीं बल्कि हालत बेदारी में नजर